जय श्री राम दोस्तों। घर में दीपक तो आप रोज जलाते होंगे, लेकिन क्या आप इसके नियम जानते हैं? आइए मैं बताता हूं आपको दीपक जलाने का नियम। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। इसे जलाना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं। हिंदू धर्म के में अग्नि को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करके भक्तगण बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। वहीं रोजाना पूजन के समय सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाया जाता है। दीपावली हो, जन्मतिथि हो या कोई त्योहार हो, या अखंड हरि कीर्तन का पाठ हो, या नवरात्रि हो, या ऐसे सभी मौके पे अखंड दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि दीपक का प्रकाश व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर कर देता है और उसके विचारों को सकारात्मक बनाता है। दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और उस घर में रहने वाले सदस्यों का मन शांत होता है। लेकिन दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। कहाँ रखना चाहिए दीपक? पूजा के समय दीपक जलाते समय यह जानना बहुत जरूरी है कि दीपक कहाँ रखना चाहिए और दीपक में किस तरह की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो अपने बाएं हाथ की ओर भगवान के समक्ष तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर और घी का दीपक हमेशा बाएं की ओर रखना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय और दिशा क्या है? पूजा जितनी जल्दी की जाए उतना शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय ध्यान अच्छी तरह से केंद्रित होता है। पूजा के दौरान दीपक जलाने के लिए सर्वोत्तम समय सुबह के 5 बजे से 10 बजे तक होता है और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाया जाता है। दीपक पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर रखने से आर्थिक संकट बढ़ता है और दक्षिण दिशा की ओर रखने से पितरों के निमित्त जलाया जाता है। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि दीपक खंडित ना हो। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करते हैं, अगर मिट्टी का हो और वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद ना बुझे इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को कवर कर सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे फौरन जलाकर परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।